कितना पैसा तो दूसरी किस्त मिलेगी, कितना पैसा तो तीसरी किस्त मिलेगी। सरकार ने कहती है तो मकान बन गया, उसकी खिड़की नहीं, छत नहीं है, और सरकार यहाँ पे व्यवस्था होता था, किसी गरीब आदमी को व्यवस्था मिल रही थी। अब सरकार ने कहा नहीं, हम दो आपके आपके वोट होता था मिलने के निशान, ये आधार का नंबर होगा। इस आधार के नंबर पर यदि इंदिरा आवास योजना में किसी का नाम है, 1,00,000 रुपया उसके खाते में जाएगा, अभी कभी लेने की जरूरत नहीं है। ये नए तरीके से आजादी के समय स्थिति नहीं थी। अब सरकार ने, हमारी सरकार की सरकार ने ये फैसला किया कि आधार कार्ड के आधार पर हम इस देश में किस तरह की व्यवस्था करेंगे। और आज करोड़ों रुपए का जो बिल फ्रेज है, जो बिचौलियों में से लेते थे, पिछले पैसे नहीं ले पा रहे, डायरेक्ट उसके खाते में पैसा आता है। कोई भाषण देने का मौका नहीं मिलता है। आप जो सुख दुख में खड़े थे, उसकी मदद करने का काम किया, वो आज नहीं है। लेकिन जानकारी नहीं तो मदद नहीं कर सकते गरीब आदमी का। जानकारी, नॉलेज इज पावर। जिसके पास ज्ञान है उसके पास ताकत है, और कार्यकर्ता के पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो नॉलेज नहीं है कार्यकर्ता, तो प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी भावनाओं को अपने जब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना हूँ विधानसभा अध्यक्ष की, और एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे आता है, तो सबसे पहले जो मेरा जिला है उस जिले के ब्रेक में जाकर अपने अनुभव को शेयर करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको समझ कर दिया है, मैं रखूंगा था दुनिया में घूमने का अवसर मिला, चीजों को देखा मैंने। अब मैं देखता हूँ मुझे तकलीफ होता है। डेवलपमेंट अथॉरिटी जयपुर, डेवलपमेंट अथॉरिटी जोधपुर, अब जाके उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी मिली। आजादी के समय में उदयपुर डेवलपमेंट यूआईटी से हुआ, अब पता लगा कि जोधपुर डेवलपमेंट उदयपुर डेवलपमेंट करना, उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ बनी 73 के बाद मेरी दुनिया लगी। ये नाथद्वारा और छापरौली, ये नाथद्वारा और छापरौली मेरे बात को ध्यान से सुने, कि नाथद्वारा छापरौली में दो चीजें बहुत कॉमन है। ब्रज की संस्कृति ये हसीनाथ जी और पार्वती जी का मंदिर नहीं है, तो नाथद्वारा और छापरौली में, और पार्वती जी और नाथद्वारा में ही बहुत रास्ता है। एक जगह से दूसरी जगह पर कोई 100 किलोमीटर की दूरी होती होगी, पर ब्रज संस्कृति दस भगवान सिनाथ जी और पार्वती जी के बीच 50 किलोमीटर की दूरी ज्यादा दूरी नहीं है। ये हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पर ब्रज की संस्कृति का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है। और आज पानी है, राजसमंद का पानी है, आज नंदसमंद के पानी से पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन और डेवलपमेंट करने के लिए नए सिरे से मैं भी जा रहा है कोटा, कोटा कोटा में आजादी के समय में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जमीन दी, बाद में कलाकंद में जाके इंस्ट्रूमेंटेशन बंद हो गई, कोर्ट में फैसला हुआ, कोर्ट में केस गया, कोर्ट के बाद फैसला हुआ कि जो जमीन है वो जमीन पूरी की पूरी यूआईटी की होगी। उस यूआईटी में, उस यूआईटी ने जो आज के दिन कोटा में है, उस यूआईटी में धारीवाल यूपी मिनिस्टर है, उसने सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि हम इस जमीन का उपयोग करना चाहते हैं। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए उस जमीन का सदुपयोग करके, जमीन ऑक्शन करके, जरूर जाके देखना कि कोटा को रिवर फ्रंट को डेवलप किया है, शायद आजादी के समाज किसी डेवलप नहीं किया। स्टेट का फंड नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंडिंग, स्टेट का फंड लिमिटेशन होता है, बजट का जो पैसा आता है वो भरपेट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी का पैसा ट्रांसफर करती है, वो पैसा स्टेट के पास आता है। स्टेट बेल कलेक्टर भी नीचे का पैसा लेकर उससे कलेक्शन करता है, उससे विकास नहीं हो सकता। विकास होने के लिए और संसाधन की आवश्यकता है। यदि हम चाहते हैं कि उदयपुर के बाद आने वाले 10-15 साल में कोई शहर हो, नगर नहीं के रूप में कोई महानगर हो, तो महानगर नाथद्वारा और छापरौली मिलकर बनना चाहिए। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहाँ पर क्या अच्छी मात्रा में की आवश्यकता नहीं, ज्ञान हमें नहीं, क्या जरूरत नहीं है।
यहाँ पर एक अच्छी मंडी बननी चाहिए, यहाँ के लोगों को ताकत देने के लिए यहाँ का मजदूर मिट्टी का काम कैसे कर सकता है, बाहर के लोग आकर आपके काम कर रहे हैं, या कि गरीब आदमी को जमीन देकर आईआईटी में काफी सिखाना चाहिए कि बाहर की मिट्टी कैसे होती है, कि बाथरूम में कैसे होती है, किचन में कैसे होती है, मंदिर कैसे लगाते हैं, फेस पैक कैसे लगाते हैं, मास्क कैसे लगाते हैं, सिखाया कौन सिखाया? यदि हम यहाँ इंस्टीट्यूट खोलेंगे हमारे आदमी को रोजगार मिलेगा, वो चीज देखकर दूसरे का सामान लेके जाएगा, तब हमारी कमर बदलने का काम पड़ेगा। अब आज की डेट में किसी की अगर फीडर तो भगवान ने बरसात दे बरसा दी, पानी आया पानी नहीं आया तो फिर चोट भी कर दो, पानी कहाँ से आए? नेचर ने बार बरसात करके तो बताया कैचमेंट को 10 लाख में 7 लाख बरसा दो, वो भी भगवान हम लोग है। पर एडिशनली हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए हमें नए सिरे से काम करना पड़ेगा। खेती में जो पानी नहीं है तो अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी है, मैंने कल भी कहा परसों भी कहा बहुत कम आदमी को मालूम मैंने 20 जियोलॉजी दिया, तो मैं एक बार इन्हें बुलाया मेरे लग्जरियस 5-स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।